हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और आप देख सकते हैं मेरे दीदी सुबह सुबह बहुत सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही है। वैसे भी मेरे दीदी जब भी यहाँ पे आती है ना, तो वो बहुत हेल्प कर देती है मुझे। ये देखिए, अभी वो मूंगफली साफ़ कर दे रही है। ये मूंगफली मेरे मम्मी ने रोस्ट करके रखी थी। ये सब नाश्ते में कभी कभी काम आ जाते हैं, तो दीदी वो साफ़ कर दे रही है। और यहाँ पे मेरी मम्मी नहाकर सुबह की पूजा कर रही है। सुबह की पूजा ना हर दिन मेरी मम्मी ही करती है। अभी देखिए, मेरे दीदी सारे कपड़े जो धुल गए हैं ना, वो सारे कपड़े ड्राई करने के लिए डाल रही है। कभी कभी ना मैं कपड़े धुलाकर डायरेक्ट इधर पे छत पे आके सुखा देती हूँ, क्योंकि बहुत धूप होती है। कपड़े ना ऐसे ही बहुत जल्दी सूख जाती है, लेकिन आज एकदम बिल्कुल भी धूप नहीं है, और इसीलिए मेरे दीदी ना ड्राई करके फिर कपड़े सुखा रही है। तो अभी मैं लंच बनाने जा रही हूँ, और आज लंच में क्या बनेगा ये देखते हैं। चलिए आइए। तो आज ये बनने जा रहा है, इसे कहते हैं बंगाली में डाटा, लेकिन हिंदी में इसे क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता है। और साथ में ये है जैक फ्रूट का सीड, ये मिला के इसमें, और ये भी मिलाना है। ये है पम्पकिन, तो ये सब मिला के एक सब्जी बनाना है मुझे। और साथ में ये है साग, ये जो डाटा है ना, इसका ही ये साग मैं बनाने जा रही हूँ। साथ में मैं बनाने जा रही हूँ दाल, जो मैंने चढ़ा दिया है। तो ये रहेगा आज का लंच मेन्यू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दाल में तड़का डाल देती हूँ, और इसके लिए मैं एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें 5 फ़ोरन मिला देती हूँ, और फिर 2 सूखा मिर्च डाल के एक रेगुलर तड़का में डाल देती हूँ। मेरा दाल बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी मैं फिर से उसे कढ़ाई को अच्छे से धोकर फिर उसमें तेल गरम करती हूँ, और जब तेल गरम हो जाती है तब मैं उसमें 1 सूखा मिर्च और 5 फ़ोरन डाल देती हूँ। जब 5 फ़ोरन ठीक से चटकने लगती है ना, तब मैं उसमें जो भी सब्जी मैंने काट के रखी थी वो सारे सब्जी में इसमें डाल देती हूँ।
सब्जी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और थोड़े मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। अभी मैं फिर से इसे एक अच्छे से मिक्स दे देती हूँ और फिर इसे थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और जब ये अच्छे से पक जाती है ना, तब मैं इसमें मिलाती हूँ ग्रीन चिल्ली और जीरा का पेस्ट। और मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स करके थोड़ा देर के लिए मैं इसे ढक के रख देती हूँ। तो फ्रेंड, इधर पे वो सब्जी बन रही है और इस चूल्हा पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैं बैंगन फ्राई करूँगी साग के लिए। तेल अभी गर्म हो चुका है और अभी मैं डालूंगी इसमें बैंगन। ये रहा बैंगन। इसमें मैं अभी हल्दी मिलाने जा रही हूँ। इसमें अभी मैं नमक नहीं मिलाऊंगी ताकि ये गल ना जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये मिक्स वेज बहुत अच्छी बनी है। और वहाँ पे जो मैंने बैंगन फ्राई कर रही थी ना, तो वो सब बहुत क्रिस्पी हो गई है। अभी मैं इसमें नमक मिला देती हूँ और फिर ये थोड़ा इसको चला के अभी मैं उतार लूँगी इसे। अभी मैं फिर से उसी कढ़ाई को अच्छे से धो के चढ़ा देती हूँ और जब तेल गर्म हो जाए तो मैं सेम तड़का फिर से डाल देती हूँ। और फिर अदरक, हरी मिर्च और साग एक ही साथ में डाल के थोड़ा ढक देती हूँ। थोड़ा देर के लिए ही ढकती हूँ क्योंकि ना बहुत तेल के छींटे गिरते हैं ना, इसीलिए। और फिर देखिए, अभी मैं फिर से इसको उतार रही हूँ और फिर अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। और अब मिक्स करने के बाद उसमें मसाले जो होते हैं ना, वो सब डाल दूँगी। लेकिन मसाले में उसमें ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए, सिर्फ हल्दी और थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार डाल के मैं फिर से मिक्स कर देती हूँ। और फिर मैं इसे ढक के रख दूँगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका है। अभी मैं फिर से इसे तेज आंच पे थोड़ा देर इसे फ्राई करती हूँ और अच्छे से मिक्स भी कर देती हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसे वो बैंगन जो है ना, वो डाल के मैं फिर से इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। और हमारा जो साग है ना, वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेन्यू। ये है साग और ये है मिक्स वेज और ये है दाल जो मैंने बनाया और साथ में है कुकुम्बर और ये है नींबू। अभी मेरा पापा और नेफ्यू बैठ के लंच कर रहे हैं।
का खाना कैसे बना? बहुत बढ़िया खाना हुआ है, बेस्ट खाना, बहुत बढ़िया है। और तुमको कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, ये खाना बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं और मम्मी अभी लंच कर रहे हैं। अभी करीब 2 बज गई है और अभी हम दोनों लंच कर रहे हैं। और अभी मम्मी से पूछ लेते हैं कि मम्मी को कैसा लगा सब्जी। मम्मी, अच्छा कैसे लगा? बना अच्छा लगा। तो सब्जी वाकई बहुत अच्छा है, तो आप भी ये घर में ट्राई करके देखिए। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का लंच खत्म हो चुका है और अभी हम लोग बेड पे आ चुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और मेरे साथ है रिद्धि, ये भी हम सब का बहुत प्यारा फैमिली मेंबर है। और अभी हम सब रेस्ट करेंगे और ये वीडियो में यहीं पे एंड कर देती हूँ। और आप सबको एक बात कहनी थी मुझे कि व्यूज़ तो न्यू चैनल के हिसाब से हाँ ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स हो ही नहीं रहे, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और आप सबको फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।